मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल एक ऐसी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। कौन सी समस्या? हमारे पास बड़े फोन आते हैं कि हमें कैंची धाम जाना है, हमको नीम करोली धाम जाना है, हमको वृंदावन धाम जाना है, हमको हनुमान सेतु मंदिर जाना है और हमें अकबरपुर जाना है। बहुत सारे महाराज जी के जो स्थान हैं उन पर जाना है। अब मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्या करूं, क्या है वहां पर, कहां रुकूं? कई कई लोग तो ये पूछते हैं कि हम वहां जा रहे हैं तो क्या महत्व है, वहां की क्या विशेष बात है, भोजन व्यवस्था क्या होगी, कब पहुंचें, ट्रेन के द्वारा जाएं या बस के द्वारा जाएं या हवाई जहाज से चले जाएं, हमें वहां रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टैक्सी मिल सकती है नहीं मिल सकती है। बहुत सारे सवालात आते हैं मन में और होते भी हैं। हम कौन से प्रपत्र लेके जाएं? वहाँ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या हमको जितनी धनराशि की क्षमता है हमारी उसमें रुकने की व्यवस्था हो पाएगी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और प्रत्येक वीडियो जो एक धाम के लिए होगा स्पेशल, और आप जब जाएंगे तो आपके मन में जो संशय हैं सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बस करना क्या होगा आपको कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको धाम के बारे में सारी जानकारी होगी, कैसे क्या, और इन सब प्रश्नों का उत्तर आज मैं दूंगा आपको। और ये एक पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं, तो आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के नीम करोली गाँव, जो फर्रुखाबाद जनपद में है, जिसे नीम करोली धाम कहते हैं। महाराज जी का नाम है बाबा नीम करोली, है ना? तो ये जो नीम करोली है उसी स्थल में लिए चलते हैं। नीम करोली धाम अब पहुंचने के लिए आपको तीन साधन हैं, या तो वायु मार्ग से आए एरोप्लेन से, या बस से आए, या अपनी गाड़ी मानी सड़क से आए, या ट्रेन से आए। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो तीन स्टेशन हैं। एक कानपुर चकेरी हवाई अड्डा है, वहां पर आप उतर सकते हैं, फ्लाइट आगरा की पकड़ सकते हैं, खेरिया हवाई अड्डा है वहां पर आ जाएंगे, और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वहां पर आ सकते हैं। मैं तीनों जगह से आपको बताता हूं। आप अगर वायुयान से आए हैं, फ्लाइट पकड़कर आए हैं, तो आगरा आ गए हैं, खेरिया हवाई अड्डा है, और वहाँ से लगभग जो दूरी है नीम करोली धाम की वो 170 किलोमीटर है। आप आगरा से खेरिया हवाई अड्डे से टैक्सी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अन्यथा बस भी पकड़ सकते हैं। वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से बस अड्डा है और वहाँ से आप बस पकड़ते हैं। तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। ये सड़क है ना, बस मैं सड़क पे इसीलिए खड़े होकर ये शूट कर रहा हूँ कि आगरा से आप आएंगे तो आप आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से शुकाबाद, शुकाबाद से मैन, ये बीच में स्टेशन पड़ेंगे आपको, और मैनपुरी, मैनपुरी से बेवर, और बेवर से मोहम्मदाबाद। ठीक है, आप मोहम्मदाबाद पहुँच गए, आप दिल्ली आ गए हैं एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, तो आप वहाँ से ट्रेन द्वारा भी आ सकते हैं। ट्रेन द्वारा के लिए आपको हम नीम करोली स्टेशन मास्टर की जो उन्होंने बताया था वो हम आपको दिखाएंगे उनके द्वारा। हम खड़े हैं नीम करोली स्टेशन पर, है ना, और मेरे साथ खड़े हैं नीम करोली स्टेशन के इंचार्ज। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम, जय बाबा। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर शुक्ला। शुक्ला जी, बताएं, यहाँ जो भक्त भारतवर्ष में कई जगह हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, धाम में दर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे रेलवे सुविधा प्राप्त करें? देखिए, हमारा ये कहना है कि भक्त लोग जो दिल्ली से आना चाहते हैं वो हमारी कालिंदी एक्सप्रेस है, उससे आ जाएं। पुरानी दिल्ली से चलती है 2250 पर। 2250 का मतलब 10:50, 10:50 पर रात में दिल्ली से चलती है। और कालिंदी कहाँ से कहाँ जाती है सर? ये कालिंदी जाती है अप टू कानपुर तक जाती है। इसके लिए आप फर्रुखाबाद उतर सकते हैं, और फर्रुखाबाद ये गाड़ी 6:25 पर पहुँच जाती है। फर्रुखाबाद यानी बीच में जब इससे आएंगे
तो ये स्टेशन आपका नीम करोरी बीच में पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टिकट लेनी है दिल्ली से फर्रुखाबाद की, लेकिन कभी कभी गाड़ी नीम करोरी धाम में रुक जाती है, कभी सिग्नल नहीं होता, या अक्सर ऐसा होता है कि समय बिफोर आ गई, पहले आ गई तो यहाँ रुक जाती है, सही बात है ना। हाँ ऐसा अक्सर होता है, अक्सर होता है। तो अब आप ये बताएं, एक गाड़ी हो गई कालिंद्री से आप आ जाएंगे और नीम करोरी रुक जाएगी तो यहाँ उतर जाएंगे, फर्रुखाबाद कह लेंगे, अगर कोई फर्रुखाबाद आ गया है तो किस गाड़ी से आएगा? फर्रुखाबाद से वहाँ से एक गाड़ी चलती है 5420 करके। अच्छा, क्या नाम है? 5420 मॉर्निंग में फर्रुखाबाद से चलती है शिकवाबाद के लिए। अच्छा, और वो वहाँ से चलती है 7:55 पर और नीम करोरी पर 8:21 पर आ जाती है। यहाँ पर सुबह 8:21 पर गाड़ी यहाँ आ जाती है, लेकिन यहाँ भक्तों को नहीं उतरना है। हाँ। उनको जिनको बाबा जी के दर्शन करने हैं। हाँ। उस पैसेंजर से आकर के। हाँ। वो हमारी अगली स्टेशन है जो बाबा जी के ही नाम पर है, बाबा लक्ष्मण दासपुरी, वहाँ उतरे। वहाँ पर किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ दिखा दीजिएगा ये रास्ता इधर को गया है, केवल 6 किलोमीटर पर। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि ये भारत सरकार ने आपके सम्मान में, बाबा नीम करोरी के सम्मान में लक्ष्मण दासपुरी एक स्टेशन बनाया, यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर, और वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर धाम है जहाँ बड़े वॉकिंग स्ट्रेंथ है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। 150 मीटर 150 मीटर हार्डली 150 मीटर तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो आप फर्रुखाबाद आ जाएं, कहीं से भी आ रहे हैं आप फर्रुखाबाद आ गए, फर्रुखाबाद से प्रातः वाली गाड़ी ले लें और यहाँ पर पहुँच जाएं। और कोई गाड़ी है दिन में? दिन में अभी शाम के टाइम पर एक फर्रुखाबाद से चलती है गाड़ी 15:45 यानी 3:45 पर, 3:45 पर फर्रुखाबाद से चलती है। कहाँ जाती है? 1917 नाम है, टूंडला तक जाती है। टूंडला, तो मुझे लगता है कि टूंडला से भी गाड़ी आती होगी। हाँ, टूंडला से गाड़ी आती है, वो वहाँ से 6 बजे करीब चलती है, 6 बजे के आसपास शाम को, सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हाँ। अगर आप आगरा आ गए हैं, आगरा के पास बिल्कुल नजदीक टूंडला स्टेशन है, टूंडला जंक्शन है, और टूंडला से फर्रुखाबाद एक गाड़ी आती है, फर्रुखाबाद आती है और आगे जाती है। जी, फर्रुखाबाद आती है, यहाँ कितने बजे पहुँचती है? वो यहाँ पर आ जाती है 9:28 भाई, ये तो पूरे एक एक मिनट का हिसाब बता रहे हैं, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए। तो आपको, आप टूंडला आ गए तो आप यहाँ बहुत इजीली आ सकते हैं नीम करोरी, और कहीं से भी भारतवर्ष के किसी कोने में हैं आप फर्रुखाबाद आ गए तो फर्रुखाबाद से आप रेलवे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक वही स्टेशन है जहाँ महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी। जो अगर आप बस के द्वारा आते हैं या अपनी गाड़ी के द्वारा आते हैं तो कैसे आएंगे? दिल्ली से आप सीधा चले आइएगा अलीगढ़, अलीगढ़ से एटा, और एटा से आप आएंगे मोहम्मदाबाद मार्ग पर अलीगंज जैथरा होते हुए। तो ये मैंने आपको बताया दिल्ली से, ये दूरी आपको नीम करोरी धाम की 310 के लगभग होगी। यदि आप कानपुर से आ रहे हैं, कानपुर साइड से, तो आप क्या करेंगे, वहाँ चकेरी हवाई अड्डा है, वायुयान से आए चकेरी से, और चकेरी से आप आ जाइएगा बस अड्डे पर, और जो बस अड्डा है कानपुर में जिसको झकरगढ़ी कहते हैं, झकरगढ़ी बस स्टेशन, तो झकरगढ़ी बस स्टेशन आप आ जाएंगे, वहाँ से आप जीटी रोड, या तो बस भी मिलेगी, बस द्वारा आते हैं तो आपको वहाँ से फर्रुखाबाद की बस मिल जाएगी। आप फर्रुखाबाद आएंगे ना, फर्रुखाबाद किस तरह से आएंगे, कन्नौज, कन्नौज से गुस्साएगंज और फर्रुखाबाद। अब आप एक रास्ता और है सड़क मार्ग का कि आप पकड़ लें बस वहाँ से दिल्ली जाने वाली, कानपुर से दिल्ली जाने वाली जीटी रोड पकड़ लें। जीटी रोड पर, यहीं पर आप देख सकते हो, जीटी रोड पर आ रही है जो बस, वो पहले आएगी कन्नौज, गुस्साएगंज, बेबर आ जाएगी, आपको बेबर उतार देगी। आप बेबर से फिर मोहम्मदाबाद के लिए मूव कर जाएंगे। मित्रों, इस समय हम हैं मोहम्मदाबाद नगर में, ये मोहम्मदाबाद नगर है और हम इस समय चौराहे पर हैं। ये मोहम्मदाबाद का चौराहा है, ये रास्ता फर्रुखाबाद से आ रही है और ये बेबर से जा रही है, इधर ये रास्ता जो है छिमरामऊ से आ रही है और ये रास्ता एटा जा रही है। तो अब आप जब आएंगे नीम करोरी धाम के लिए तो इसी चौराहे पर उतरना है, इस चौराहे को ही बस स्टैंड का, अगर गाड़ी बेबर से आ रही है तो पीछे रुक जाती है, फर्रुखाबाद से आ रही है तो यहाँ रुक जाती है,
एटा से आ रही है तो और पीछे रुक के उतार देता है। इस चौराहे पर जब आ जाएं आप, जब कहेंगे कंडक्टर से या तो आपको पता चलेगा हम अहमदाबाद में आ गए, तो ये चौराहा आप देख लेंगे। और चौराहे से आपको प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग फतेहगढ़ का एक बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा है पावन धाम नीम चोरी मंदिर 9 किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा है संकिसा परिसर नगरी 18 किलोमीटर। यानी इस चौराहे से यहाँ से ठीक 9 किलोमीटर इस सड़क पर चले जाएं, 9 किलोमीटर पर आपको एक गेट बना हुआ मिलेगा और इधर से जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर इस साइड पर एक गेट मिलेगा और वहाँ से 1 किलोमीटर है नीम करोरी धाम। इस समय मैं खड़ा हूँ नीम करोरी गांव, जो ये इधर गांव है और ये सड़क आप देख रहे होंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है पावन धाम नीम करोरी मंदिर 1 किलोमीटर, यहाँ से अहमदाबाद 8 किलोमीटर है, अहमदाबाद 20 किलोमीटर है और शिमला से 33 किलोमीटर है। ये लोक निर्माण विभाग फतेहगढ़ फुरकाबाद की जानकारी है, यहाँ से आपको मिलेगी। ये जो गेट बना हुआ है ये गेट नीम करोरी धाम जाने के लिए है। मैं इस समय आपको बता दूँ कि यदि आप एटा से आएँ और एटा से आते हुए आएंगे तो अलीगंज और ये संकिसा पड़ेगा, और जब आप आएंगे तो दाहिने हाथ पर जहाँ से अहमदाबाद ठीक 8 किलोमीटर रह जाएगा तो दाहिने हाथ पर ये गेट दिखाई पड़ेगा और इस गेट में आप चले जाइए तो यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर नीम करोरी धाम है, आप यहाँ से बड़े आराम से जा सकते हैं। ठीक है, रोड आप याद रखिएगा, अगर अहमदाबाद से आते हैं तो 8 किलोमीटर चले आइएगा और यहाँ से मुड़ जाइएगा, और अगर आप एटा से आते हैं, एटा संकिसा होते हुए आते हुए, तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि 8 किलोमीटर रह गया अहमदाबाद, इधर गेट है, तो बहुत आराम से आप यहाँ से नीम करोरी धाम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है, टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पहुँचने का समय जो है वो रात मत करिएगा, क्योंकि रात एक गांव है, इंटीरियर एरिया है और यहां रात में सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी, रात में चहल पहल नहीं होती है। तो ये रास्ता मैंने आपको आज नीम करोरी धाम जाने के लिए सड़क मार्ग का बता दिया, रेल मार्ग का बता दिया, वायुयान का बता दिया, तो आप अपनी सुविधा से आ सकते हैं। कैसे रुकेंगे अब ये अभी मैं आगे बता रहा हूँ। राम साहब पुजारी जी, अगर कोई भक्त इस स्थल पर तप स्थली पर रुक कर ध्यान मनन करना चाहें तो क्या विधि है? उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, या तो चिट्ठी लिखें, आपके यहाँ चिट्ठी लिख दें, लिखें फिर अगर हमसे परमिशन लेंगे तो हम उस हिसाब से उन्हें बताएंगे। अच्छा, कितना देर रुकेंगे, कितने लोग होंगे, हाँ तो उस हिसाब से फिर उनका वो किया जाए, फिर उसके साथ उनके साथ या तो आधार कार्ड और दूसरा उनका कोई परिचित का व्यक्ति यहाँ से जुड़ा हो। अच्छा, उसकी भी सहमति आपको देनी पड़ेगी ताकि हम जिला जज को बता सकें, उनसे परमिशन ले सकें हम। अच्छा, महंत जी का कहना ये है कि आप पहले यह चिट्ठी लिखें और चिट्ठी लिखने के लिए आपको ये एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस एड्रेस पर आप चिट्ठी लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, नाम डाल दें, त्यागी जी महाराज के नाम चिट्ठी लिखिए। हाँ, त्यागी जी महाराज के नाम से चिट्ठी आप लिख दीजिएगा और उस चिट्ठी पर आप अपना नंबर लिखें, अपना नंबर आप लिखेंगे उस पर महंत जी आपको जवाब देंगे और फिर उसमें आपको प्रपत्र भी आपने बताए हैं कि आधार कार्ड लाना है और आपको एक ऐसे भक्त की संस्तुति भी देनी होगी जो यहाँ से पहले से पूर्व परिचित होगा, उस आवेदन को आप जिला न्यायालय में भेजेंगे और वहाँ से परमिशन होगी तब आपको यहाँ रुकने के लिए मिलेगी। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको तपस्या यहाँ तप करने का पूजा करने का अवसर रहकर मिल सकता है। तो एक परिवार या एक भक्त कितने दिन तक ज्यादा से ज्यादा रुक सकता है? 2 दिन से ज्यादा नहीं रुका जा सकता है। 2 दिन की बात बताइए, 2 से 4 लोगों से ज्यादा नहीं, एक ग्रुप में 2 से 4 लोग हों या परिवार में 4-5 लोग हों तो वो, और 4 से 5 लोग हों तो ठीक है, बाकी का यहाँ पर 2 या 3 दिन भी आपको रोका जा सकता है। भोजन व्यवस्था साहब क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि गांव है, बाहर तो कोई भोजन मिलता नहीं है? नहीं, जब परमिशन लिया जाएगा तभी भोजन प्राप्त होगा, भोजन भी होगा, मतलब भोजन प्रसाद बनता है परमिशन के हिसाब से। हाँ, आप परमिशन ले लेंगे तो भोजन तो साहब निःशुल्क मिलेगा, शुल्क लेंगे कुछ? नहीं, निःशुल्क होता है, उसका पैसा नहीं, भोजन प्रसाद आपको निःशुल्क मिलेगा। मंदिर में रुकने के लिए तो पुजारी जी ने आपको बताया, आपको मंदिर का टाइमिंग भी बता दें, यहाँ पर मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन
12 बजे से और 2 बजे अपराह्न जो दोपहर का समय होता है वो शयन का होता है, आराम करने का होता है। मंगलवार और शनिवार को आराम नहीं होता, यानी 6 से 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक खुला रहता है। बाकी के दिनों में 2 घंटे का ये ब्रेक लिया जाता है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप टाइमिंग से आए और आपने जाने, फिर 2 घंटे का जो इंटरवल है 12 बजे से 2 बजे तक का, वो आप उसको ध्यान में रखें। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम नीम करोली गाँव क्यों जाएं भाई, धाम में दर्शन क्यों करने जाएं, है ना, क्या विशेषताएं हैं वहाँ, क्या विशेष बात है? तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि विश्व प्रसिद्ध घटना, महाराज जी ने रेल रोकी थी ना, 17 साल की उम्र थी जब आपने ट्रेन रोकी थी और ट्रेन वाली घटना आपको मालूम है। तो वो ट्रेन इसी रेलवे स्टेशन, इसी नीम करोली रेलवे स्टेशन पर रोकी थी, आप चित्र देख लीजिएगा, है ना। महाराज जी के कर कमलों से बना हुआ हनुमान जी का विग्रह आप देखें, दर्शन करें, हनुमान जी का विग्रह महाराज जी ने अपने हाथों से बनाया, वो भी यहीं पे स्थापित है। सबसे लंबी तपस्या एक स्थल पर, वो भी महाराज जी ने यहीं की, लगभग 18 वर्ष वो यहां पर तपस्या रत रहे। 17 का अंत या 18 का प्रारंभ था और नीम करोली धाम में आ गए थे वो ट्रेन रोकने की घटना के बाद, और यहां से वो गए थे 1935 में। इतनी लंबी अवधि तक वो किसी भी एक आश्रम में नहीं रुके। यहीं पर वो स्थल है जहां जमीन के अंदर धरती मां की गोद में बैठ के गुफाएं देख लीजिए, तो इसमें आपने जाके अंदर बैठ के तपस्या की थी। और बताओ, बहुत सारे आशीर्वाद भरे भक्तों को कृपा बरसाई है, वो भी बहुत सारी कथाएं हैं यहां पर। और मैं विशेष बात बता दूं, नीम करोली गांव का नाम क्या है, नीम करोली, और महाराज जी का क्या कह के बुलाते हैं, बाबा नीम करोली। तो जो नीम करोली है, इसी गांव का नाम तो महाराज जी ने धारण कर लिया, विश्व में आपको बाबा नीम करोली के नाम से ही जाना जाता है। तो ऐसे स्थल पर आप अगर जाएंगे तो कितना पुण्य लाभ मिलेगा, है ना, इसलिए आप यहां अवश्य दर्शन करने के लिए आए। और कोई जानकारी रह गई हो तो फिर फोन कर लीजिएगा, बताऊंगा मैं आपको। वैसे मुझे लगता है कि जानकारी मैंने दे दी है, क्योंकि आधार कार्ड लाना है और किसी भक्त की आपको पहले से करना है, तो ये सब बातें इकट्ठी हुई हैं, जैसे वहाँ के महंत जी ने जो बताया है, स्टेशन इंचार्ज ने बताया है, और भाई मैं भी कुछ थोड़ा सा कोशिश करके आपको बता रहा हूँ, है ना। तो सारी बातें नीम करोली धाम मस्त होके, एकदम समर्पित होके आप वहाँ एकदम इजी यात्रा हो जाए आपकी, और 99% पुण्य आपका, 1% हमारा, भाई तो हिस्सा डाल लेना, ठीक है ना। वहाँ आप बहुत इतिमान से दर्शन कीजिएगा, और एक शिकायत जरूर है, मैं वो कर दूँ मैं आपको, वहाँ जितना विकास होना चाहिए था आज उतना विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। महाराज जी का कोई भक्त, शायद कोई नया अवतार साबित हो जाए नीम करोली गाँव के लिए, और विश्व प्रसिद्ध नाम को उसके अनुरूप भाव विकास दिखाई देने लगे। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, आप नीम करोली आते हैं आगरा से, तो आप दर्शन कर सकते हैं। आप जब आगरा से चलते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर आप आगे चलेंगे, फिरोजाबाद टूंडला निकलेगा, टूंडला के बाद फिरोजाबाद आप जब 8 किलोमीटर रह जाएगा तो वहां एक मंदिर पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड पर, वैष्णो माता का मंदिर, और राजा का ताल एक पुलिस चौकी है, बस पुल से नीचे आ जाइए, 2 किलोमीटर दूर है महाराज जी का जन्म स्थल। ये सब मैं आपको रास्ता बता देता हूं, अगर पूरा विवरण चाहिए आपको तो अकबरपुर वाला जो धाम के जाने के लिए हमने बताया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और वापसी में नियरेस्ट वृंदावन धाम भी है, तो वृंदावन का वीडियो देख लीजिएगा। आज चल पड़ते हैं, ढेर सारी जानकारी हमने आपको दी है, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा जिससे पहुंचने में सुविधा रहे, शेयर करेंगे तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा।
और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं।